मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। धनबाद पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। 5 साथी बाइक चोर को एसएसपी द्वारा गठित विशेष टीम ने अलग अलग जगहों से छापेमारी कर गिरफ्तारी की है। वही गिरफ्तार बाइक चोर की निशानदेही पर 12 चोरी हुई बाइक को बरामद भी की है। इसी बीच में हमारा धनबाद में भी चोरी, वाहन चोरी ऐसे कुछ घटनाओं का वृद्धि हुआ था। इलेक्शन के बाद हमारा सब ऑफिसर और सब कॉन्स्टेबल लोग अभी वापस आ गया है। हम लोग अभी नॉर्मल हमारा पुलिसिंग का काम शुरू कर दिया है। इसी बीच में तीसरा थाना में हम लोगों को सूचना मिला था कि यहाँ पे कुछ लड़का लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर लगातार बाइक का चोरी करके चोरी किया हुआ बाइक का बिक्री करने का सूचना प्राप्त हुआ। इसी सूचना में हम तीसरा थाना प्रभारी एवं सुदामडी थाना प्रभारी के एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाया गया और टीम के द्वारा लगातार इधर उधर चेक कर रहा था। चेकिंग करने के क्रम में खास कुया में बंद पड़ा हुआ बीसीसीएल के मकान से जो दो लड़का लोगों को उठाया और उन लोगों के पास से चोरी का 4 मोटरसाइकिल भी बरामद किया। ये दोनों लड़का का नाम है सोनू सिन्हा एवं बोलू महतो। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और लोगों से जब पूछताछ किया ये अपना व्हीकल का चोरी का अपने संलिप्तता के बारे में कन्फर्स किया। इनके निशानदेही पर और हम लोग 8 बाइक रिकवर किया और इनका 3 सहयोगी को भी हम लोग गिरफ्तार किए। अभी जो चोरी एवं जो बर्गलरी है, जो घर पे उसके जो चोरी कर रहा है, ऐसा लोगों को चिन्हित करने के लिए 3 स्पेशल टीम का गठन किया गया है। इसमें से बाइक चोरी का उद्भेदन करने के लिए जो टीम का गठन किया है उसका नेतृत्व करेंगे डीएसपी हेडक्वार्टर 1 शंकर कांति। और जो लगातार जो बर्गलरी हो रहा है, घर से जो चोरी हो रहा है, वैसे केसेस को डिटेक्ट करने के लिए सीसीआर डीएसपी साहब के नेतृत्व में भी एक टीम का गठन किया है। धनबाद बंगाल से सटा हुआ होने के नाते ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ से जो चोरी का बाइक पार्ट्स करके या ऐसे भी पूरा बाइक को भी ये लोग बंगाल में बेचता होगा। अब ये पूछताछ अभी हम लोग करेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये लोग बंगाल में कभी बेचा है या बंगाल में किसके पास ये लोग बेचा है। ये सभी हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी सर 5 लोग पकड़े गए हैं। हाँ, अभी जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हम लोग एक अलग टीम, ये खाली तीसरा और हमारा सिंदरी अनुमंडल में नहीं है, हमारा धनबाद प्रॉपर टाउन एरिया में भी और बागमारा साइड में भी बहुत बाइक्स का चोरी हुआ है। ये पूरा चोरी अभी एक्चुअली सब डिविजन वाइज इन्वेस्टिगेट करना परेशानी हो जाता है, कोऑर्डिनेशन में परेशानी हो जाता है। इसी को लेके हम स्पेशल टीम का गठन किया जिसका नेतृत्व जो हमारा धनबाद बेस्ड डीएसपी के द्वारा किया जाएगा।